और इसको भी हम सेंटर से कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से हमने ये सेंटर को ऐसे कटिंग कर लेना है। अब इसको कपड़े पे चिपकाने वाले हैं, चिपका के आपको दिखा रहे हैं, ठीक है जी। ये जी कपड़ा ले लिया हमने, ये वाले कपड़े पे आपने इसको गले को चिपका लेना है। ये ऐसे इस्त्री लगा के ना आपने ऐसे चिपका लेना है इस तरीके से। ये ऐसे इसको ऐसे चिपका के आपने कमीज पे लगाने का तरीका भी बता रहा हूँ आपको। उल्टी साइड पे भी आपने सही तरीके चिपका लेना है ऐसे। फिर आपने क्या करना है, इसको साथ साथ आपने ऐसे कटिंग कर लेना है इसके साथ साथ। ये ऐसे हम हाथ के आज शेरवानी भी काट लेते हैं इस तरीके से जी। आपने इसको चिपका लेना है और ये बीच में जो कपड़ा है इसको भी आपने ऐसे ही इसके साथ साथ आपने इसको ये देखें ऐसे, ठीक है जी। यहाँ ये कुटका लगा लेना है, ये कुटका लगा लेना है और गला तो मैंने आपके सामने चिपका लिया है। अब ये मशीन पे रख के, अगर इसका एक और तरीका है ये देखें, इसके साथ साथ आप इसको भी बिठा सकते हैं ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आप इस्त्री से बिठा सकते हैं वहाँ पर आपने। बरहर ये हो गया, मैं आपको यहाँ से जी आपने इस शेरवानी आपको काट के दिखा रहा हूँ, फिर साइज बाद में हम नापेंगे। आपने एक बुकरम ले लेनी है, बुकरम लेके ना आपने ये हल्का सा इसको शेप में ऐसे कटिंग कर लेना है। उसके बाद आपने इंची टेप से जो है ना आपने साइज लेना है। ये मैं 1/4 इंच की शेरवानी काट रहा हूँ, यहाँ पर ये इस तरीके से जो है ना मैं निशान लगा रहा हूँ। आपने ये निशान लगाने हैं ये 1/4 इंच की, ठीक है। ये इस तरीके से जी ये मैंने निशान लगा लिया, ये देखें। ये एक शेरवानी मैंने ऐसे काटनी है, दूसरी भी मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ। अब आपने इस बुकरम को ऐसे सीधा कर लेना है, सीधा करने के बाद इसको भी आपने सीधा कर लेना है ऐसे। ये इस तरीके से जी आपने इसको कटिंग कर लेना है बाद में। ये देखें इस तरीके से, ये जी ये ऐसे। ये कटिंग हो चुकी है जी। अब मैं साइज गला बना के साइज लूंगा तो आपको बताऊंगा। इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे हम ऐसे, ये देखें ऐसे, ठीक है जी। ये जी आपने ऐसे सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से, इधर से लगा लेनी है इस तरीके से। ये ऐसे आपने सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये सिलाई लग गई, ये देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, एक गला कल्टी करना होता है, एक गले पे ऐसे रख के सिलाई लगानी होती है। ये पैपिंग वाला गला है तो इसमें मैं ऐसे सिलाई लगा, यहाँ से जी मैंने इसको ऐसे रखना है इस तरीके से, उल्टी साइड पे रख के ये सिलाई लगा रहा हूँ ऐसे, ठीक है जी। ये सेंटर रख के ना यहाँ पर ऐसे इस तरीके से ये सिलाई लगा रहा हूँ, ये ऐसे। ये इस तरीके से भी मैं ये सिलाई लगा रहा हूँ, ये देखें ये लग गई है। दूसरी साइड पे भी ऐसे आपने सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। ये देखें, अब मैं आपको ये पैपिंग लगा के दिखा रहा हूँ इस पे। ये जी ऐसे पैपिंग आपने बना लेनी है, इसका तरीका आपको बताता हूँ। आपने ऐसे रख के इस तरीके से आपने ये सिलाई लगानी है ऐसे, ठीक है जी। इस तरीके से आपने ये ऐसे आपने सिलाई लगानी है
ये ऐसे आपने ना हल्के हल्के हाथ से सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। ये ऐसे ये देखे पैटर्न निकल रही है खूबसूरत तरीके से। आपने ऐसे सिलाई लगा के लेंगे इस तरीके से भी आपने ये सिलाई लगा लेनी है। ये देखें ये मैंने लगा ली है सिलाई। अब आपने क्या करना है इसको ऐसे कल्टी कर लेना है और कल्टी करके फिर आपने इस तरीके से आपने ये पैपिंग पे सिलाई लगानी है पैपिंग वाली ऐसे। इस पर भी आपने हल्का हल्का हाथ से ना ये सिलाई लगा ये इस तरीके से आपने ये सिलाई लगानी है इस तरीके से। इस तरीके से भी आपने इसको हल्के हाथ से आपने ये पैपिंग लगा लेनी है ऐसे। इस तरीके से आपने ये पैपिंग लगाते जाएंगे। ये देखें ऐसे पैपिंग निकलती है। ये जी ये देखें आपने ऐसे कर लेना है इसको पट्टी बना लेंगे। पट्टी बनाने के बाद यहाँ पर हमने ये बटन टैग लगानी है इस तरीके से। यहाँ हम पिच बटन लगाने वाले एक जगह पे ना यहाँ पर। तो आपने इस तरीके से जो है ना इसको सिलाई लगा लेनी है ऐसे और इस जगह पे आपने आके ना ऐसे दोबारा फिर ऐसे सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखें अब यहाँ पर हमने एक पिच बटन लगाना है इस तरीके से। ये बैक का शोल्डर है और ये फ्रंट का शोल्डर है। आपने क्या करना है इस तरीके से जी ये आपने ये शोल्डर जोड़ लेना है ऐसे। जैसे मैं जोड़ रहा हूँ ऐसे आपने जाके शोल्डर को जोड़ लेने। शोल्डर जोड़ने के बाद आपको शेरवानी गला आपको बताया था शेरवानी तो हमने काट ली थी। अब ये कि उसका साइज लेके ना आपको दिखा रहे हैं और ये गला पैपिंग पे इस्त्री भी लगा के आपको दिखा रहे हैं चल के। ये देखें जी इस तरीके से आपने जी इधर उल्टी साइड पर रख के आपने नेक को इस्त्री लगानी है। ठीक है जी इस तरीके से आपने इस्त्री लगा लेनी है। सीधा करके हमने इस साइड पे भी इस्त्री लगा रहे हैं ऐसे। ठीक है जी इस तरीके से ये ऐसे यहाँ मोती लगाएंगे। अब आपने यहाँ से ऐसे पकड़ना है और ये शेरवानी नापना है जो कितने इंच का है। ये जी ये देखें ये शेरवानी 7 इंच का आ रहा है मतलब 14 इंच का। यहाँ से हम ये हल्का सा हाला भी छान देते हैं इस तरीके से। ये देखें अब मैं आपको शेरवानी का साइज पूरा करके दिखा रहा हूँ। आपने ये डबल फोल्ड करनी है इस तरीके से और यहाँ से आपने ऐसे साइज लेना है ये 7 इंच। ये ऐसे आपने साइज लेके इसको अब आपने क्या करना है ऐसे हल्की सी गुलाई दे देनी है ये ऐसे। ठीक है जी ये शेरवानी तैयार हो चुका है आप देख सकते हैं। ये जी ये देखें ये शेरवानी को हम चिपका रहे हैं इस तरीके से। आपने इसको चिपका लेना है ऐसे कटिंग कर रहा हूँ मैं और इस साइड से भी ऐसे कटिंग करके आपको ये चिपकाने का तरीका बता रहा हूँ मैं। इसके साथ साथ आपने इतनी इसको भी कटिंग कर लेना है ऐसे। और शेरवानी हम लगाने वाले तुरपाई वाली शेरवानी हमेशा ऐसे चिपकती है और ऐसे जो है ना आपने इस साइड पे ऐसे जाके ऐसे इस्त्री लगा लेनी है इस तरीके से। आज हम आपको जो शेरवानी सिखा रहे हैं वो तुरपाई वाली सिखा रहे हैं लगाना। ठीक है जी ऐसे आपने इसको ऐसे कर लेना है।
इस तरीके से आपने इसको कटिंग कर लेना है। ठीक है जी, ये जी आपने यहाँ से ये सिलाई लगानी है बुकरम के साथ साथ मैंने लगा लिए, ये देख सकते हैं। और फिर आपने इसको कटिंग कर लेना है इस तरीके से जी, आपने इसको कल्टी करके इस्त्री लगा के आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से जी आपने इसको हल्के हाथ से इस्त्री लगा लेनी है इस तरीके से, ऐसे। ये इस तरीके से जो है ना आपने इस्त्री लगा लेनी है। साहब रिपोर्ट दो, बढ़ गया प्रोग्राम। इसको जो है ना ये इस तरीके से जो है ना आपने कुटका लगा लेना। यहाँ से जी ये सीधी हाथ पे रखना है और ये जो बुकरम वाली है साइड इस पे आपने रख के जो है ना ऐसे सिलाई लगानी इस तरीके से, और फिर उल्टी साइड पे ये वो होगी तुरपाई, ये इस तरीके से आपने पक्का कर लेना है। और ये हल्के हल्के हाथ से आपने ये सिलाई लगाते जाएंगे ऐसे इस तरीके से। ये इस तरीके से आप सिलाई लगा दे जाएंगे। ये ऐसे आपने सिलाई लगा लेनी है कुटके से कुटका मिलाते हुए। इसको हल्का हल्का खींचते जाना है ऐसे, ये तो बराबर हो जाए इस तरीके से। ये इस जगह पे जी आपने आके ये देखिए यहाँ पर फिर आके आपने एंड कर देना है इस जगह पे, ये ऐसे, ये देखिए इस तरीके से। इस जगह से अब मैं आपको तुरपाई करके बता रहा हूँ जो आपने तुरपाई कैसे करनी है। यहाँ से जी आपने इसको ये हल्के हाथ से ऐसे इसको मोड़ना है कपड़े को, और ऐसे आपने ये तुरपाई कर लेनी है इस तरीके से। ये ऐसे आपने हल्के हल्के से ना ये ऐसे तुरपाई करते जाएंगे ऐसे इस तरीके से। ये ऐसे आपने ये पूरे को तुरपाई कर लेना है। ठीक है जी, ये देखें ये खूबसूरती आएगी ऐसे। ये जी देखें खूबसूरत सा शेरवानी गला आपको हमने सिखाया है। नेक्स्ट मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।